हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो ईमेल कॉन्फ़िगरेशंस करनी है हमें अपने बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसा कि हम चाहते हैं कि जब भी हम बिल बनाएं और बिल बनाने के बाद जो है ईमेल जो आपके कस्टमर हैं या क्लाइंट हैं उनको ऑटोमेटिक उनकी ईमेल पे चले जाए, इसके लिए ना आपको दोबारा से कोई गूगल खोलना पड़े, जीमेल लॉगिन करना पड़े, पीडीएफ को एक्सपोर्ट करना पड़े, तो इतना प्रोसीजर आपको फॉलो ना करना पड़े, आपको ऑप्शन मिल जाए ईमेल पे आप एंटर करें ऑटोमेटिक उनके पास ईमेल पहुंच जाए। तो ये जो वर्क करता है सिर्फ स्टैंडर्ड वर्जन में वर्क करेगा और जितने भी स्टैंडर्ड वर्जन से अपग्रेड वर्जन है उसमें वर्क करेगा, बेसिक वर्जन में ये वर्क नहीं करता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर में आना है, उसके बाद आप आएंगे कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस में आपको दिख जाएगा ईमेल कॉन्फ़िगरेशंस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये कुछ आपसे सेटिंग्स पूछ रहा है जिसको आपको करना है। अब जैसे ये कह रहा है कि पहले में कि ईमेल सेंडिंग ऑप्शन की ईमेल का सेंडिंग ऑप्शन आप कैसे रखना चाहते हैं, तो सेंड डायरेक्टली, मतलब कि आप यहाँ पे जब भी बिल बनाए तो डायरेक्टली आप वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाए और सेंड कर सके आप। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आप फाइल किस रूप में भेजना चाहते हैं, जैसे कि पीडीएफ अटैचमेंट देना चाहते हैं या ईमेल बॉडी टेक्स्ट, जैसे कि आपने देखा होगा उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि पार्टी का नेम सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ आएगा, और ऐसे ही जो है एक्सएमएल में आएगा। जैसे अगर आप किसी में इंपोर्ट करा रहे हैं डेटा, जैसे कोई आपसे पार्टी मांगती है कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है, तो एक्सएमएल भी आप उसको दे सकते हैं। और ये है पीडीएफ प्लस एक्सएमएल, मतलब कि पीडीएफ भी जाएगा और एक्सएमएल भी चले जाएगा। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ कर देता हूँ, जो बेसिक नीड है वो जो ज़्यादातर जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो पीडीएफ ही यूज होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल आईडी है, सपोज याहू पे है, जीमेल पे है, या आपकी खुद की कोई वेबसाइट है और जो भी आपका डोमेन है वो डोमेन है, डोमेन की ईमेल आईडी से आप भेजना चाहते हैं, डायरेक्टली कंपनी की ईमेल आईडी से भेजना चाहते हैं, तो किसी की भी आप मेल आईडी से अगर भेजना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जैसे ही गूगल लिखेंगे, आप सपोज कि याहू का आपको एसएमटी नेम चाहिए पूरा, तो आप यहाँ पे याहू लिखें और यहाँ पे एसएमटी सेटिंग्स पे एंटर कर दें, तो उसका कंप्लीटली जो है, जैसे कि इसका जो पोर्ट नंबर है वो 465 है, और उसके बाद जो इसका एसएमटी है वो ये है एसएमटीपी। तो इस तरीके से जो है आपको कहाँ कॉपी करना है, कहाँ पेस्ट करना है, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ कॉन्फ़िगर, वो कर रहा हूँ जीमेल का, क्योंकि मोस्टली सभी के पास जीमेल है। तो जैसे ही आप जीमेल करेंगे तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लें सर्वर के इसके नेम को, जो कि है smtp.gmail.com, तो वो आपको डालना है यहाँ पे एसएमटीपी सर्वर में। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वैसे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जो है ये जो भी इसका पोर्ट है ये ले लेगा, जैसे कि आपकी कंपनी की ईमेल आईडी है ये चीज़ ये बाय डिफॉल्ट नहीं लेगा, उसके लिए आपको अपने डोमेन में जाना है। डोमेन में जाने के बाद आपको वहाँ पे आपका एसएमटीपी पूरा का पूरा मिल जाएगा, एक पोर्शन अलग से ही उसमें बना होता है। तो ये चीज़ आपको कौन बताएगा, ये चीज़ जिनसे आपने वेबसाइट बनवाई होगी या जिनसे आपने डोमेन लिया होगा, आप वहाँ पे जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आईडी पासवर्ड है आपके जीमेल का वो आपको यहाँ डालना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद ये पोर्ट नंबर ऑटोमेटिक इसने ले ही लिया है, जैसे ही आपने ये डोमेन डाला है जो गूगल का मतलब एसएमटीपी सर्वर नेम है वो डाला है। उसके बाद आपको फ्रॉम कि जैसे कि आप यहां पे चाहते हैं आपकी कंपनी का नेम लिखा हुआ है, और जब ये मेल किसी के पास जाए और जब वो किसी पे रिप्लाई करे तो वो किस पे चाहते हैं आप, सपोज कि मैं चाहता हूं कि ईमेल आईडी जो ईमेल जाए वो इससे जाए और रिप्लाई किसी और पे आए, अगर वो रिप्लाई करना चाहता है तो मैंने सपोज कर दिया इस पे। और उसके बाद जो है बाय डिफॉल्ट जो है हेडर, मतलब कि जब भी किसी के पास मेल जाएगा तो यहाँ पे जैसे कि आप ये डाल सकते हैं डियर सर एंड मैम, और उसके बाद कुछ कंटेंट लिखना चाहें जैसे कि ग्रीटिंग, कुछ भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, और उसके बाद आपका ये इनवॉइस। ऐसे ही आप फुटर में चाहते हैं तो फुटर में भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना हेडर फुटर जो है लगा सकते हैं, और जो आपका अटैचमेंट है वो आपका जो भी सेल इनवॉइस है वो पीडीएफ में कन्वर्ट होके चले जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करना है इसे। उसके बाद जो भी आप सेल इनवॉइस काटेंगे, जैसे कि मैं एक सेल इनवॉइस चढ़ा लेता हूं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप इनवॉइस काट लेंगे तो यहाँ पे एक ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, जैसे ईमेल पे आप एंटर करेंगे और इसको सेंड करेंगे
तो आपको एक एरर आ जाएगा टू में, कि टू में किसी की भी मेल आईडी इसमें नहीं है। इसके लिए क्या करना है आपको, जब भी आप पार्टी क्रिएशन करें, कोई भी नई पार्टी बनाएं या जो भी आपकी पार्टी बन चुकी है, उसमें आपको क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है। एक फील्ड है यहाँ पे ईमेल की, तो यहाँ पे आपको क्या है, ईमेल डाल के रखना है पार्टी का। नहीं तो आपको हर जब भी जितने भी सेल इनवॉइस आप जो भेजेंगे ईमेल, तो बार बार आपको वहां पे डालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज ना डालना पड़े आपको, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, और उसके बाद आप इसको सेव कर दें। अब देखिए उसी इनवॉइस को हम ईमेल करेंगे, तो कैसे करें, अब यहाँ पे ईमेल पे आप एंटर करेंगे और उसके बाद आप सेंड पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये एरर शो होगा। अब ये कह रहा है कि सेव एंड सेंड लेटर, अगर इसको सेव कर देंगे तो ये ऑफलाइन सेव हो जाएगा, और जब भी आपका इंटरनेट वगैरह कनेक्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। बट ये जो है एरर है, जो भी आपका जीमेल अकाउंट है या याहू अकाउंट है, उसमें आप जाएंगे, एक सिक्योरिटी का जो है पैच दिया हुआ है, उसको आपको ऑन करना है। जब तक आप ऑन नहीं करेंगे तब तक ये ईमेल आपका नहीं सेंड होगा। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। और जो भी आपने ईमेल आईडी इसमें डाली है, वो उस ईमेल आईडी को आप लॉगिन करें अपने गूगल अकाउंट, गूगल है तो गूगल अकाउंट को लॉगिन करें, याहू है याहू के अकाउंट को लॉगिन करें, और आपको जाना है अकाउंट के सेक्शन में, जैसे कि गूगल में सबसे ऊपर ही आ जाता है मैनेज योर गूगल अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है सिक्योरिटी में। जैसे ही सिक्योरिटी पे आप क्लिक करते हैं, आप सबसे बॉटम साइड के पास आइए जहां पे लिखा है लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे टर्न ऑन एक्सेस, और इसके बाद आप इसको ऑन कर देंगे। जैसे ही आप ऑन करेंगे अब आप अपनी ईमेल वगैरह को सेंड कर सकते हैं। तो देखिए हम दोबारा से इसको अब सेंड करते हैं, तो देखिए ये ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। अब मैं आपको ईमेल आईडी भी खोलकर दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमने यही ईमेल आईडी जो है उसमें डाली हुई है, और ये ईमेल इनके पास आ चुकी है। जैसा कि हमने हेडर में जो लिखा हुआ था वो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, कि हमने हेडर में ये लिखा हुआ था और फुटर में हमने ये डाला हुआ था, और आपका जो है एक अटैचमेंट पीडीएफ हमने चूज किया हुआ था, ये पीडीएफ पार्टी के पास पहुंच चुका है। तो इस तरीके से 2 से 3 कॉन्फ़िगरेशंस करके आप अपनी ईमेल को सेट कर सकते हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से अपग्रेड वर्जन ले रखा है तो आप इसका यूज जरूर करें। कोई भी आपको दिक्कत आती है इस चीज से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करें, हम आपको इस चीज का सॉल्यूशन देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।